आपको लगता है ये सारे काम जो आपने गिनाए हैं ये सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं, इस पे वोट मिलता है, लोग वोट करते हैं ये देख कर कि आपने इतनी अच्छी सड़क बना दी है, आपने गंगा पे क्रूज चला दिया है, आपने वाटर वे के ज़रिए माल ढुलाई आसान कर दी है, आपने बोट्स खोल दी ताकि लोग कुंभ में जा सकें, इससे वोट मिलता है आपको लगता है? देखिए पहली बात तो ऐसी है कि मैक्सिमम लोगों का जो नई जनरेशन जो आई है जो सोशल मीडिया पर है, ये नए लोग जो है ये जात पंथ धर्म भाषा के आधार पर वोट तय नहीं करते, एजुकेटेड लड़के हैं और ये निश्चित रूप से डेवलपमेंट और परफॉर्मेंस के आधार पर वोट करते हैं। पर देश में स्टेट टू स्टेट, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, रीजन टू रीजन सोशो इकोनॉमिक सिचुएशन अलग अलग प्रकार की है। आपके कहने में एक थोड़ी बहुत सच्चाई ये भी है जो लोकतंत्र का दुर्भाग्य है, क्योंकि हमारा लोकतंत्र और प्रगल्भ बनना चाहिए, सरकार का मूल्यांकन उसके परफॉर्मेंस पे होना चाहिए, कौन से जात का कौन मंत्री और कौन से धर्म का कौन मंत्री और कौन सी भाषा बोलने वाला है, ये कोई इवैल्यूएशन के मुद्दे नहीं हो सकते हैं। पर दुर्भाग्यवश कुछ प्रमाण में ये भी लोग सोचते हैं, ये सच्चाई है, पर मुझे लगता है कि जो लोकतंत्र को स्वस्थ बनाना चाहते हैं और लोकतंत्र में गुणात्मक परिवर्तन करना चाहते हैं उन्होंने परफॉर्मेंस के आधार पर ही वोट मांगने चाहिए, जात पंथ धर्म भाषा के आधार पर नहीं मांगने चाहिए। आप बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे और लोग कहते हैं कि असल में विकास पुरुष तो नितिन गडकरी ही हैं, क्योंकि जब वो अध्यक्ष थे तो बीजेपी के मैनिफेस्टो में इस तरह के मुद्दे पीछे चले गए थे, विकास आगे आ गया था। आपको लगता है कि आपकी बीजेपी और अमित शाह की बीजेपी में यही अंतर है कि अमित शाह की बीजेपी में मंदिर आगे है, और पिछले 3 महीने में जब जब चुनाव का जिक्र हो रहा था तो ऐसा लग रहा था कि मंदिर आज नहीं बना तो कल तो बन ही जाएगा? देखिए कोई बीजेपी में अंतर नहीं है, बीजेपी ये फैमिली पार्टी नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी इतने कद्दावर नेता थे पर बीजेपी कभी अटल बिहारी वाजपेयी के नहीं बने, अडवाणी जी के नहीं बने, नितिन गडकरी के नहीं बने, ना मोदी की बनेगी ना अमित शाह की बनेगी। बीजेपी का अपनी एक आइडियोलॉजी है और कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और इसलिए बीजेपी अपनी विचारधारा के आधार पर, हम ये विश्वास रखते हैं, अभी ये बात सच है कि इमेज वर्सेस रियलिटी एंड ग्राउंड रियलिटी वर्सेस परसेप्शन वाली कहानी हमारे साथ जुड़ी हुई है। जात पंथ धर्म भाषा और सेक्स के आधार पर डिस्क्रिमिनेट करने वाली कोई भी बात हमारे पार्टी को मान्य नहीं है। कोई भी व्यक्ति उसके जात से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है, और इसीलिए गुणवत्ता के आधार पर ही चर्चा होनी चाहिए। पर सही बात यह है कि देश के लोकतंत्र को भी उस लेवल पर ले जाने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों को कोशिश करनी पड़ेगी। जो पुरोगामी प्रगतिशील और सोशलिस्ट कहते हैं वो भी संप्रदाय को इकट्ठा करके वोट बैंक की राजनीति करते हैं। मैं दोष पार्टियों और नेताओं को नहीं देता, मैं देश दोष जनता को देता हूँ, और जिस दिन जनता सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिकल, हेल्थ और पॉलिटिकल विषयों पर सजग होकर अपने मतों के आधार पर वोट करेगी उस दिन लोकतंत्र में गुणात्मक बदल होगा।